कोट पैंट इस तरह के लोग दिख रहे हैं, गांव के मजदूर किसान नहीं दिख रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है? अच्छा, आप कपड़े से लोगों की अमीरी गरीबी देख रहे हैं। एक महान आदमी ने बोला है कि लोग कपड़े से पहचाने जाते हैं। नहीं, ज्यादातर वैसे ही लोग जुड़ते हैं। नहीं, हर तरह के लोग कहाँ जुड़ रहे हैं? क्या है ना कि कई बार आदमी शादी में जाता तो अच्छे कपड़े पहन के चला आता है, तो लोग सोचते हैं कि ये ऐसा हो गया। कपड़ों से लोगों को पहचानना बंद कर दीजिए। ये जो पहचान है ना, वो एक सुपरफिशियल पहचान है, क्या कपड़े पहन के आए हैं। मजदूर किसान तो पता चल जाता है ना। अच्छा, मजदूर किसान भी जुड़े हुए हैं। और फुल बॉडी हेल्थ पैकेज जो है वो 999 और उसमें भी एक आदमी फ्री। दूसरी चीज, थोड़ा सा मतलब कहीं भी आप कुछ भी पेशेंट के बारे में पहले सोचिएगा, कहीं फॉल्ट मत कीजिएगा किसी भी टेस्ट को। पहले सबसे पहले आप ये सोचिएगा कि आपकी फैमिली का कोई पेशेंट हो सकता है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। आज की टीम अभी सिवान के DAV मोड़ के पास, जो आपका भगवान पैलेस में, आप सबको पता है प्रशांत किशोर का जो आपका संगठन है जनसुराज का जिला कार्य समिति की बैठक हो रही है। इंतखाब जी हैं, आफाक साहब हैं, इसके अलावा डॉक्टर सहनवाज साहब हैं। डॉक्टर सहनवाज साहब से समझने की कोशिश करेंगे और बात करेंगे। धन्यवाद। आज एक ऐतिहासिक दिन है जनसुराज के इस कार्यक्रम के लिए कि हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं और संगठन कैसे मजबूत हो पाए, जो हमारी जनसुराज की विचारधारा है उसको जनमानस तक कैसे पहुँचाया जाए और लोगों को कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए आज विचार मंथन का दिवस है। 24-25 की जाहिर सी बात है कि संगठन जब तक नहीं होगा तब तक आप चुनाव के बारे में नहीं सोच सकते। अगर सामाजिक परिवर्तन लाना है तो राजनीतिक परिवर्तन भी आवश्यक है, उसके लिए चुनाव में जीतना भी आवश्यक है। इसके लिए रणनीति बनाने की आवश्यकता है, अपने लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है और अच्छे लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है और इस मैसेज को आम जनमानस तक पहुंचाने की आवश्यकता है। एक सवाल, ज्यादातर इसमें कोट पैंट इस तरह के लोग दिख रहे हैं, गांव के मजदूर किसान नहीं दिख रहे, आपको नहीं लग रहा है? अच्छा, आप कपड़े से लोगों की अमीरी गरीबी देख रहे हैं। एक महान आदमी ने बोला है कि लोग कपड़े से पहचाने जाते हैं। नहीं, ज्यादातर वैसे ही लोग जुड़ते हैं। नहीं, हर तरह के लोग कहाँ जुड़ रहे हैं? क्या है ना कि कई बार आदमी शादी में जाता तो अच्छे कपड़े पहन के चला आता है, तो लोग सोचते हैं कि ये ऐसा हो गया। कपड़ों से लोगों को पहचानना बंद कर दीजिए। ये जो पहचान है ना, वो एक सुपरफिशियल पहचान है, क्या कपड़े पहन के आए हैं। मजदूर किसान तो पता चल जाता है ना। अच्छा, मजदूर किसान भी जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए हैं जी, पूरी तैयारी से। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि देश का जो की आत्मा जो है वो किसानों में और खेतों में और गांवों में बसती है, तो कोई भी अगर जनसुराज के लोग भी अगर ये सोचते हैं कि बिना जनमानस को जोड़े हुए कोई कार्यक्रम सफल हो पाएगा, तो यह असंभव है। तो ये हमारा प्रयास, आज जो लोग यहाँ बैठे हैं ये वही विचार है, यही लोग हैं। पढ़े लिखे लोग ही समाज में परिवर्तन के लिए प्रयास करते हैं, उस पढ़े लिखे लोग ही समाज में परिवर्तन की नींव रखते हैं, लेकिन जो असल उसका बेस है, असल जो उसका साधन है, वो जनमानस ही है। एक और सवाल, आप लोग लगातार RJD और BJP को आप लोग बोलते हैं कि नौकरी छीन लिया, नीतीश कुमार नौकरी छीन लिया, लेकिन अभी तो रोजगार बढ़ रहा है। गांधी मैदान हर जगह से इतना सारा टीचर को रोजगार दिया गया जी, बिहार को तो दिया ही गया, साथ ही साथ पूरे हिंदुस्तान से लोग आके रोजगार ले रहे हैं बिहार में। सही। एक्चुअली दो एक कहावत है, टू लिटिल टू लेट। तो ये जो प्रयास किया जा रहा है ना, जन स्वराज के दबाव के वजह से हमने इस पर बात करना शुरू किया, रोजगार पे हमने बात करना शुरू किया, शिक्षा के ऊपर, तो सरकार थोड़ी जागी है। ये एक आखिरी टाइम का एक एफर्ट है कि चलो कुछ तो करना जरूरी हो गया, पर आप भी जान रहे हैं कि कितने लोगों को नौकरियां दी गई हैं, उसमें कितने बाहर के लोगों को नौकरियां दी गई हैं, इन मुद्दों पे बात करने की आवश्यकता है, फिर कभी इस पे फिर डिटेल डिस्कशन किया जा सकता है। आपको मतलब इसकी क्रेडिट जनसुराज को जाता है? कम से कम हमारा नहीं नौकरी का नहीं, हमने पहले भी कहा था शुरू में भी कि हमारा प्रयास ये है कि कम से कम राजनीति में सही मुद्दों पर बात हो पाए। हमारा मुद्दा है रोजगार, हमारा मुद्दा है शिक्षा, हमारा मुद्दा है स्वास्थ्य, तो कम से कम हम सरकार को इस लेवल पर तक मजबूर करने के लिए कामयाब हुए हैं कि इस पे बात शुरू हो गई है। मतलब ये अच्छा काम हुआ है ना, इसका तारीफ जाहिर सी बात है,
मैंने कहा ये ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहावत है, लेकिन फिर भी एक सराहनीय कदम है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लोग आएंगे इस काम को 100 गुना 50 गुना ज़्यादा सख्ती से कर पाएंगे। मतलब अच्छा काम है उसमें, लेकिन बोलना मतलब हाँ इसलिए अगर आप देखेंगे ना कितने लोगों को नौकरी मिली है, क्या परसेंटेज है, तो आपको लगेगा कि बस एक आई वॉश है। अभी फिर आ गया है, अब और लोगों को आएगा, हमारे प्रयास यही है जी। मतलब अच्छा काम कर रही है सरकार। हाँ सरकार अच्छा काम कर रही है, कम से कम इस मामले में इसमें सोचना शुरू किया है। अगर हमारे लोगों को मौका मिलेगा तो हम इसे बेहतर करके दिखा सकते हैं जी। जी तो क्या कहेंगे? सिर्फ चुनाव के आखिरी साल में नहीं, पूरे साल ये प्रयास होना चाहिए। पूरे साल होगा, लास्ट में क्या संदेश देंगे श्रीमान गोपालगंज के जितने सारे लोग हैं? ये हमारा मैसेज सेम है, सही लोग सामूहिक प्रयास के द्वारा हम समाज परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इस बिहार के विकास में योगदान करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।